नमस्ते सभी को। नमस्ते बहन भैया, नमस्ते भैया। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। नमस्ते सभी को। आज हम लोग सत्र के 18वें दिन पर हैं और कल तक जो मुख्य बातें, मुख्य चर्चा हम लोगों ने किया है, उसका एक प्रमुख बिंदु तो ये रहा है कि मानव के रूप में हम अपने मूल चाहना को पहचान सके कि हमारी मूल चाहना क्या है। तो हम लोगों ने अपने मूल चाहना को निरंतर सुख समृद्धि के रूप में पहचाना। सुख क्या है, समृद्धि क्या है, इसके सोर्सेस क्या है, किससे निरंतर सुख हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके चर्चा किया और इससे जुड़े हुए अभ्यासों को किए। उस क्रम में ये बात स्पष्ट हुआ कि मैं मानव, मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में है, जिसमें दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, पूरा करने का तरीका अलग अलग है, इनकी क्रियाएं अलग अलग है, रिस्पॉन्सेज अलग अलग है। एक जड़ है, दूसरा चैतन्य। चैतन्य को और डिटेल में समझने का काम हम लोग पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन चैतन्य के बारे में ये बात हुई कि जड़ इकाइयों की पहचान को देखें तो जड़ इकाइयों में पहचानना और निर्वाह करना, ये दो ही क्रिया चलती हुई दिखाई देती है। एक जड़ इकाई दूसरे जड़ इकाई के साथ पहचान रहा होता है, निर्वाह कर रहा होता है। चैतन्य को देखें तो चैतन्य इकाई में पहचानना, निर्वाह करना तो चल ही रहा होता है, लेकिन इसमें दो और एडिशनल क्रियाएं चल रही होती हैं, या दो में से कम कोई एक, जानना और मानना। तो या तो सेल्फ जान करके मानता है और जानने मानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह करना करता है, या विदाउट जानना, बिना जाने मानने के आधार पर ही पहचानना, निर्वाह करना करता। तो जिन भी इकाइयों में ये जानने मानने की क्रिया है वो चैतन्य इकाई है। तो चैतन्य इकाई को समझने का एक तो आधार ये था। फिर इस चैतन्य इकाई को और कैसे ठीक से देखा जाए, तो मैं खुद भी अपने आप में एक चैतन्य इकाई हूँ, मेरा शरीर जड़ इकाई। तो अगर मैं अपने आप को समझने जाता हूँ तो जड़ और चैतन्य दोनों को समझना होगा। तो जड़ को देखता हूँ तो इसमें 5 सेंसरी ऑर्गन है, आग चाची, इससे बहुत सारे बाहर की सूचनाएं शरीर इकट्ठा करता है, बहुत सारी गतिविधियां शरीर में चल रही हैं। इस पर ध्यान दिया ही है हम लोगों ने, आगे और डिटेल में कभी ध्यान देंगे। अभी हम लोग चैतन्य को और कैसे डिटेल में समझ सकते हैं, कैसे उस पर और बारीकी से उस पर ध्यान दे सकते हैं, उस पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग पिछले कुछ दिनों से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप तो यही था कि हम अपनी कल्पनाशीलता को देखें। चैतन्य को देखने की दिशा में पहला स्टेप कि शरीर में बहुत सी क्रिया चल रही है, बाहर एनवायरनमेंट में भी बहुत सी क्रियाएं चल रही हैं जिसका सूचना हमको शरीर के सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से मिल रहा है। तो बाहर के दुनिया में भी बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, शरीर में भी बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इस दोनों तरह की क्रियाओं के बियॉन्ड भी हमें बहुत सी क्रियाएं चल रही हैं। हमारे अंदर बहुत सारा थॉट चल रहा है, कल्पनाशीलता चल रहा है, कभी किसी के बारे सोच रहे हैं, कभी किसी के बारे सोच रहे हैं, कभी भविष्य के बारे सोच रहे हैं, कभी भूत के बारे सोच रहे हैं, कभी वर्तमान के बारे सोच रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं हमारे भीतर चल रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन क्रियाओं को मैं बिना शरीर के किसी सेंसरी ऑर्गन का प्रयोग किए हुए भी सेल्फ के सीधे सीधे इसको देख सकता है। तो आप आंख बंद करें, कानों पर ध्यान न दें, त्वचा के स्पर्श पर ध्यान न दें, किसी भी बॉडी के अंग पर ध्यान न दें, सीधे सीधे अपने पर ध्यान दें, तो भी आपको अपने भीतर चलती हुई बहुत सारी क्रियाएं दिखाई देती है, उसको कल्पनाशीलता कहें। कई बार आप ध्यान देते हैं तो देख पाते हैं, ध्यान नहीं देते तो नहीं देख पाते। नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो चल रहा है, चल नहीं रहा, चल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान कहीं और दे रहे हैं। चलिए, प्रश्न आया कि इस कल्पनाशीलता को ही मेरे व्यवहार कार्य को तय करने का, मेरा व्यवहार कार्य इसी कल्पनाशीलता से तय हो रहा है या उसमें इसका कोई रोल नहीं। तो ध्यान से देखते हैं तो हमारी कल्पनाशीलता में बहुत कुछ चलता हुआ हम पाते हैं, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे व्यवहार और कार्य में निकलता है। जितना निकलता है व्यवहार कार्य में बाहर, उससे कई गुना अधिक भीतर कल्पनाशीलता में चल रहा है।
फिर ये बात भी हुई कि कल्पना संहिता में क्या चले, ये कैसे तय होता है। तो ये तीन सोर्सेस से तय होता है। या तो हम अपने कल्पना संहिता में जो चल रहा है उसको संवेदना के माध्यम से मिलने वाले इनपुट के आधार पर कल्पना संहिता को चलाते हैं, या हमने जो मान्यताएं बना रखी हैं उससे उसके आधार पर अपने कल्पना संहिता को चलाते हैं, या फिर हमने जो सहज स्वीकृति को समझा है, हमको जो सहज स्वीकृति की स्पष्टता हुई है उसके आधार पर कल्पना संहिता को चलाते। तो जितना हम सहज स्वीकृति को पहचान कर उसके आधार पर, सहज स्वीकृति को समझ कर उसके आधार पर अपने कल्पना संहिता को चलाते हैं, कल्पना संहिता उतनी व्यवस्थित रहती है, हमारा व्यवहार कार्य भी उतना व्यवस्थित रहता है, हम अपने आप में हारमोनी में बने रहते हैं, उसी को सुख कह रहे हैं। जब भी हम कल्पनाशीलता पर को देखते हुए अपनी सहज स्वीकृति को ध्यान नहीं देते तो हमारी कल्पनाशीलता या तो संवेदना से तय हो रही होती है या फिर मान्यता से तय हो रही होती है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमारी कल्पनाशीलता अगर इन दोनों के आधार पर चल रही है तो हारमनी में ही, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, तो उसमें निश्चितता नहीं। और अगर मान्यता और संवेदना आधारित कल्पनाशीलता के आधार पर मैं व्यवहार कार्य करता हूँ तो उस व्यवहार कार्य में भी हारमनी हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि तो कल्पनाशीलता में ही अनिश्चितता है, कभी हारमनी कभी डिसहारमनी हो रहा है, इसलिए व्यवहार में भी कभी हारमनी कभी डिसहारमनी होता है। कभी मुझे अपना ही विचार अपना ही व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत खराब लगता है, कभी मैं कुछ बोल देता हूँ फिर बाद में सोचता हूँ ये मैंने क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ये बहुत तरह के कंट्राडिक्टरी थॉट अपने भीतर चलते रहते हैं, कंट्राडिक्टरी स्थितियां बनती है, तो इस प्रक्रिया में मैं डिसहारमोनी में बने रहता हूँ, या तो थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए। तो उपाय क्या है उस पर हम लोग पिछले डिटेल में चर्चा की कि हम ध्यान दें कि हमारी कल्पनाशीलता भी महत्वपूर्ण है, चल रहा है कुछ उसमें, उसको ध्यान देकर देखें, फिर इस कल्पनाशीलता का सोर्स क्या है उस पर ध्यान देकर देखें कि संवेदना से आ रही है कि मान्यता से आ रही है कि सहज स्वीकृति से आ रही है। फिर तीसरा स्टेप ये तय किए थे कि अगर सहज स्वीकृति से आ रही है और उस पर आधारित मैं कल्पनाशीलता व्यवहार कार्य कर रहा हूँ तो मैं हारमोनी में हूँ कि दिशा। जब मैं मान्यता और संवेदना आधारित कल्पनाशीलता चलाकर और उस पर आधारित व्यवहार कार्य कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कल्पनाशीलता ही चला रहा हूँ, तब मैं हारमोनी में हूँ कि डिसहारमोनी में हूँ, ये ऑब्जर्व करने की बात हुई थी। इतनी चर्चा कल हुई थी और इससे संदर्भित कुछ अभ्यास भी हम लोगों ने आपको साझा किया था कि आप अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान दें, उसमें इच्छा विचार आशा को देखने का प्रयास करें और देखें कि आपने जो कुछ भी कल्पनाशीलता में चल रहा है वो या तो आपके इच्छा से भाव से जुड़ा है या किसी आशा को पूरा करने के लिए आप इसमें विचार चला रहे हैं, तत्वगत तो वो भी किसी न किसी इच्छा और भाव से जुड़ता है। तो हर कल्पनाशीलता में देखने जाए तो विचार चल रहा है, आशा चल रही है, जो किसी न किसी भाव से जुड़ रहा होता है। उस भाव को भी जब आप देखने लगे तो उस पर भी ध्यान दें कि भाव में स्थिरता बनी रहती है या भाव भी बार बार बदलता रहता है। तो इन सभी चीजों पर हम लोगों ने आप लोगों से अपेक्षा की थी कि कल आप लोग अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देंगे और इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो जिन भी साथी लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है उनसे एक एक करके उनके ऑब्जर्वेशंस को सुनेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे। जी जी भानु भैया नमस्ते। भैया आवाज आ नमस्ते रही ठीक जी। से? आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? जी ठीक आवाज आ रही है। भैया हाँ, अभी मतलब मैंने कल भी, मैं तो हमेशा ऑब्जर्व करने लग गया हूँ अभी, तो कल जो भी ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन अभी अभी आपकी भी बातों से मैंने सुना कि कल्पनाशीलता को हम चलाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, वो भी हो सकता है गलत हो, कल्पनाशीलता तो भैया जी अपने आप चलते रहती है, हम सिर्फ उसका जो भाव का आदान प्रदान या बिगड़ने लगते हैं तब हम उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो क्या ये मेरा मानना सही है थोड़ा सा इस पे? जब आप चेंज करने का प्रयास करते हैं तो चेंज कर पाते हैं नहीं कर पाते? पहले पहले तो नहीं कर पाते थे, पर क्योंकि समझता ही नहीं था व्हाट इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अभी थोड़ा थोड़ा समझने लग गया जब से इसमें जुड़ा हूँ, तो अभी मतलब चेंज कर ही पाते हैं या हमेशा आराम में रहने का प्रयास करते हैं? तो एक बात तो इससे तय हो रही है कि आपका इंटरवेंशन है कि कल्पनाशीलता में क्या चले क्या ना चले, ये आप तय कर सकते हैं।
जी ये जी बात अलग है कि आप कंटिन्यूटी में इसे तय कर सकते हैं, इस पर अभी भरोसा नहीं बन रहा। जी और इसका उत्तर इसी बात से निकलता है, कुछ दिनों पहले तो इस बात का भी भरोसा नहीं बन रहा था कि हम अपनी कल्पनाशीलता भी देख सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो धीरे धीरे ये जी भरोसा जब हमने अभ्यास शुरू किया तो अपने ऊपर बना कि हम कल्पनाशीलता को भी देख सकते हैं, फिर ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारी कल्पनाशीलता का कंटेंट ऐसा हमें चल रहा है जो हमको बहुत बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो हम अगर निर्णय लेते हैं तो उसको अंदर कुछ इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं। आपने कई बार बिल्कुल प्रयास किया तो एक आध बार बदल भी पाए, तो ये बिल्कुल इस जी बात के तरफ संकेत कर रहा है कि अगर हम और ठीक ढंग से इस अभ्यास को करें और अच्छे से इसको देखने का प्रयास करें तो आने वाले समय में इसको और बारीकी से देख पाएंगे कि हर एक इच्छा को मैं निर्णय पूर्वक तय कर रहा हूँ। जी हर एक जी इच्छा में जो भाव है उसको निर्णय पूर्वक मैं तय कर रहा हूँ और उस पर निर्णय पूर्वक विचार कर रहा हूँ, और निर्णय पूर्वक ही मैं उसमें आशाओं को, एक्सपेक्टेशंस को सेट कर रहा हूँ। तो सभी जगहों पर मेरा निर्णय शामिल है, लेकिन अभी मैं उतनी बारीकी से अपनी तरफ नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिक चल रहा है। कुछ दिनों पहले तक तो ऐसा भी होता था, या बहुत सारे जी लोगों को हो सकता है अभी भी ऐसा महसूस होता होगा कि किसी व्यक्ति ने हम पर चिल्लाया, हमारे लिए जी अपमानजनक शब्द बोले, तो हम भी पलट के चिल्ला देते थे और उससे ज्यादा जी बड़ा अपमानजनक शब्द बोल देते थे, और इसको भी जी कहते थे भाई हमने थोड़े किया, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। जी ऑटोमेटिक होने का आशय इतना ही है कि जितनी फास्ट कल्पनाशीलता में चीजें चली और निर्धारित हुई, हमने होश पूर्वक उसको नहीं देखा, गाली मुंह से निकल गई, फिर ध्यान आ रहा है कि अरे तो हमने भी गाली दे दी, जी तो इसलिए वो ऑटोमेटिक लग रहा है, क्योंकि जितनी सूक्ष्मता से देखने का हमको अभ्यास करना था वो नहीं किए थे, जी ये तो बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अभ्यास और जारी रहेगा भाई, तो और बहुत से बारीक निष्कर्ष अपने भीतर बनेंगे जो हमारी अभी तक की मान्यताओं से अलग होंगे। उसमें जी से एक निष्कर्ष ये भी है कि हम अपनी हर इच्छा, हर विचार, हर आशा को निर्णय पूर्वक तय कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि हम उसको बहुत बारीकी से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कई बार एहसास होता है कि इसमें हमारा रोल नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक ये है ना, लेकिन समय के साथ ये और क्लियर होती जी जी है। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। भैया, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कल्पनाशीलता को देखने के लिए और भाव को देखने के लिए बेसिकली, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो विचारे आ रहे हैं वो हमारा भाव को बिगाड़ रहा है या नहीं, ये देख रहे हैं या देख क्या रहे हैं? पहले स्टेप पे तो ये देख रहे हैं कि बाहर जिस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट में चल रही है, शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, इन दोनों के बियॉन्ड भी हमारे भीतर कुछ एक्टिविटी चल रही है कि नहीं चल रही है, उसी को कह रहे हैं कल्पनाशीलता। तो हम अपने शरीर का कोई प्रयोग नहीं कर रहे, आंखों का नहीं, कान का नहीं, फिर भी हमारे भीतर चल रही बहुत सारी एक्टिविटी हमको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो वो जो चल रही है एक्टिविटी उसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं। तो पहला अभ्यास तो ये कर रहे हैं कि कुछ चल रहा है हमारे भीतर उसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं, उसको देख ले। फिर दूसरा अभ्यास ये कह रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ, ये जो चल रहा है ये मेरे व्यवहार और कार्य का आधार है, मेरे व्यवहार और कार्य में क्या होगा उसका निर्धारण वहां से हो रहा है। होश पूर्वक व्यवहार कार्य करते समय अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देते हैं तो ये भी दिखता है कि हमारा हर व्यवहार कार्य कारण इसी कल्पनाशीलता में ही हो रहा है, ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास ये कर रहे हैं कि कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसके कंटेंट का निर्धारण कहाँ से हो रहा है, किन सोर्सेस से वो तय हो रहा है। तो तीन सोर्सेस, संवेदना, मान्यता और सहज स्वीकृति, ये तीसरा अभ्यास कर रहे हैं। जब इन तीनों अभ्यास में हम थोड़ा सध जा रहे हैं तब फिर ये चौथा अभ्यास शुरू कर रहे हैं, ये जो कल्पनाशीलता में चल रहा है उसमें इच्छा क्या है, विचार क्या है, आशा क्या है, इच्छा में क्या चल रहा है, कौन सा भाव है इच्छा में, उस भाव को पूरा करने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ आशाएं चिन्हित कर रहा हूँ,
फिर हम इसको स्टेप में तोड़ तोड़कर देख रहे हैं और बारीकी से ये चार स्टेप का अभ्यास कर रहे हैं भैया। अभी फिलहाल आप इसमें कहाँ तक पहुंचे हैं और कौन सा स्टेप पे समय अभ्यास कर रहे हैं वो आप शेयर कर पाएंगे भैया। ये मगर भैया ये समझ नहीं आ रहे हैं भैया, सही बता रहे हैं कि जैसे कि अभी मैं सुबह उठा, नहा धो के बाहर चला गया कि अब स्टार्ट नहीं हुआ था प्रोग्राम, तब मैं रास्ते में गया तो मैं सोचा कि मेरा विचार क्या चल रहा है मैं देखूं, तो मैं देखा कि कुछ भी नहीं चल रहा था क्योंकि अभी सुबह सुबह कुछ भी हड़कंप नहीं मचा है, रोड पे खाली खाली है, आराम से चला और चल के घर में आ गया। मगर जब हम बाहर जाते हैं रास्ते पे रोड पे जब हम गाड़ी लेके जाते हैं कि कोई सुबह 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 तो नहीं जब दिन होता है कोई गाड़ी इतना जोर से एक नंबर गियर पे चला के चला जाता है, साउंड प्रोड्यूस करके रखता है, बेटे को पकड़ के रखते हैं तो बेटा डर के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो ये सब में थोड़ा सा जब देखते हैं कि कोई ऐसे काम कर रहा है तो तब जाके हमारा सोच में ये क्या कर रहा है तब सोच आता है भैया, नहीं तो उससे पहले हमें तो जी कोई नहीं, सोच ही नहीं आता है। और जैसे कि तो एक आप ठीक ही कह गाड़ी रहे हैं, अंदर ठीक ही कह रहे हैं। तो अभी तो हाँ स्थिति ऐसी ही है जैसा आप कह रहे हैं। एक छोटा सा जड़ संसार का उदाहरण देता हूँ, उससे चैतन्य संसार की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। जैसे आप तालाब के किनारे बैठे और देखेंगे तो ऊपर से दिखेगा तालाब में कोई हलचल नहीं चल रही, कुछ भी क्रिया नहीं हो रही। कोई आदमी एक पत्थर मार देता है तालाब में तो लहरें उठने लगती हैं, तो आपको लगता है कि तालाब में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं उस समय। जब पत्थर नहीं मारा किसी ने, ऊपर से सरफेस शांत तो दिख रहा है, तो आप कहते हैं कि वे तालाब में कोई क्रिया नहीं। ये एक दृष्टि। थोड़ा दृष्टि को और गहरा करता हूं तो ये दिखता है कि पत्थर मारने से पहले भी तालाब में बहुत सारी क्रियाएं हो रही। मछलियां थी, पानी में हल्का हल्का मूवमेंट था, लहरें बहुत ऊंची नहीं थी, थोड़ी नीची ही थी, है ना। बार बार किनारे से टकरा रही थी, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे अंदर काई थी, बहुत सारी गतिविधि पानी में चल रहा था। लेकिन हमारा जो ये स्थूल देखने का अभ्यास है, खास तौर से जब बड़ी हलचल होती है तो ही हम देख पाते हैं। लेकिन और थोड़ा बारीकी से गहराई से देखें तो और बहुत सारे विचार आप अपने भीतर चलता हुआ पाएंगे, ठीक तालाब की तरह। उदाहरण के तौर पर हमको अपना विचार देखना है, ये भी आपने एक विचार किया, लेकिन उस समय ये विचार आप में चल रहा है कि मेरे को अपना विचार देखना है, उसको आप विचार के रूप में स्वीकार नहीं रहे, इसलिए आपको अपने भीतर कुछ चलता हुआ महसूस नहीं हो रहा। ये भी तो एक विचार है। आप सड़क पे चल रहे थे, आप एक एक जगह पर निर्णय ले रहे थे कि मुझे इस दिशा में मुड़ना है कि इस दिशा में मुड़ना है। सड़क पे सीधे चल रहे हैं तो एक एक कदम उठाते समय निर्णय आपका हो रहा है कि कदम बड़ा बड़ा उठाना है कि छोटा छोटा उठाना है ना। तो ये सब नहीं आप सोचते हैं देखेंगे तो भैया, भैया ये सब कोई मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये सब हम नहीं सोचते हैं कि इसको ये कहना पड़ेगा कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि हम ये सब निर्णय ले रहे हैं, है ना। ये तो ऑटो तो आप रिफ्लेक्स है बॉडी का, वही जैसे कि हार्ट चल रहा है या किडनी काम कर रहा है या स्टोमक काम कर रहा है, ये बॉडी का ऑटो रिफ्लेक्स है, इससे तो हमें कुछ उसी लेना का मैं कह देना रहा ही हूँ। नहीं है भैया। तो अभी इसको देखेंगे तो आप सड़क पे गए, सड़क पे जैसे ही आप मुड़े, है ना, तो आप अपने डायरेक्शन का निर्धारण करते हैं कि मुझे इस पूरब दिशा में जाना है कि पश्चिम दिशा में जाना है। इसमें आपका निर्णय शामिल है या ये ऑटो रिफ्लेक्शन है, या दूसरा ये भैया उदाहरण दे। हमारा ये भैया ये तो हमारा संस्कार बन गया है कि मैं लेफ्ट जाऊंगा तो मेरा कौन सा एरिया पड़ेगा, राइट जाऊंगा तो कौन सा एरिया पड़ेगा, ये मेरा संस्कार बन गया है कि मेरा आदत पड़ गया है कि मैं देख लिया। और ये संस्कार जो है ये कहाँ है, कल्पनाशीलता में है कहीं बाहर है। ये हम क्या बोले मेमोरी में है, मतलब ये हमारा माइंड में सेट हो गया है कि मैं इधर जाऊं तो ये पड़ेगा, उधर जाऊं तो ये पड़ेगा। तो उसमें निर्णय आपका शामिल है नहीं शामिल है, एक बात ही पता है। और उदाहरण से देखते हैं, अगर नहीं देख पा रहे थे एक और प्रयास करता हूँ। जैसे अभी हाँ आप मेरे से डायलॉग कर रहे हैं, हाँ भैया हाँ भैया तो जो डायलॉग कर रहे हैं उसमें क्या बोलना है, ऐसे ही आवाज बाहर आ जा रही है या उससे पहले आपकी कल्पनाशीलता में कुछ तय हो रहा है कि ये प्रश्न बन रहा है, इस प्रश्न को पूछना है, हाँ ये बात हाँ भीतर क्लियर नहीं हुई, इसको मुझे क्लियर करना है।
कुछ अपने करना है। भीतर हाँ चल रहा है, तब आप बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक बोल चल रहे रहा हूँ है? यस यस यस। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, क्योंकि ये मैंने सोचा कि ना ये मैं पूछूंगा। हाँ जी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको अपनी हर एक्टिविटी के पीछे अपने भीतर कल्पनाशीलता में कुछ गतिविधि दिखाई दे, जिसके आधार पर आपकी एक्टिविटी का निर्धारण हो रहा होता है। अभी हमारा ध्यान बाहर के तरफ रहता है, बाहर की एक्टिविटी करते समय हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है हम उसको महत्व कम देते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि भीतर क्या तय हुआ और कैसे बाहर के लिए निर्णय हो गया, तो हमको फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह लगता है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप इसको मान लीजिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसको और थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, एक दो दिन जब अपने में दिखे तो ही स्वीकारिए, अन्यथा फिर चर्चा करेंगे हम लोग इस पर। नहीं, मैं आप लोग जब बोलते हैं कि प्रैक्टिस करिए, तो मैं तब सोच में पड़ जाता हूँ कि प्रैक्टिस में करना क्या है, मैं देखना क्या है। एक्चुअली आप जैसे प्लीज आपसे कह रहे हैं उसी समय आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए बोलिए कि करना क्या है हमें हर सेशन में, मतलब उसको तो समझ बोल रहे नहीं आ रहे। हैं, वही तो उसको तो जैसे बोल रहे हैं, अभी पहले दिन से इस पर बात हो रही है कि कभी आप आधा एक घंटा बाहर की सारी गतिविधियों को रोककर अपने साथ बैठे, कोई भी एक्सटर्नल गतिविधि में आप अपने आप को इन्वॉल्व न करें, मोबाइल टीवी या अन्य, 1 घंटा पूरी तरह अपने साथ बैठे और देखें अपने भीतर क्या चल रहा है। जैसे अभ्यास को किया था आपने, यही समझ, मैं तो अगर शांत बैठ रहा हूँ तो शांत ही बैठ रहा हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं कुछ समझ नहीं सक रहा हूँ, मेरा अंदर क्या चल रहा है जी तो आप कुछ घंटे नहीं। भर बैठे क्योंकि थे, घंटे जब, हाँ भैया जब, भर आप बैठे थे, हाँ, आधा घंटा बैठा था भैया, आधा आधा घंटा बैठे, घंटा। तो आधे घंटे हाँ आप क्या महसूस किए? आराम महसूस किए, बेचैनी महसूस किए? आधा घंटे में मेरा अंदर ये सोच आ रहा था कि मैं कल क्या करूंगा, आज मेरा क्या प्लानिंग होने वही वाला है। तो ये सब कुछ आपको दिखा ना अपने भीतर कि कल हाँ का हाँ चल बस रहा है, यही आज का दिखता है प्लानिंग, तो ये क्या है, बस विचार यही है यही ना, सोचा था। इसी वही हाँ तो इसी को तो विचार कह रहे हैं, कल्पनाशीलता कह रहे हैं, चल रहा है ना। लेकिन आप आधा हाँ घंटे पे उठिए नहीं, किसी अगर नहीं दिख रहा है तो 1 दिन घंटा भर निकाल के आप बैठिए पूरी तरह अपने साथ, और बाहर की चीजों पर ध्यान मत दीजिए, है ना, कि टीवी में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, आप पूरी तरह अपने पे ही ध्यान दीजिए। तो एक अपने बार पे जो ये ध्यान दीजिए, आपका हुई, मतलब अपने पे ध्यान दीजिए, मतलब मेरा अंदर क्या चल रहा है, मतलब जो अपने भाव आ रहा है, पे सोच आ रहा है, सोच आ रहा है उसको देखूं। उसको देखिए, है ना, बाहर से कोई आवाज आ रही है, कोई टीवी चल रहा है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूँ, अगले 1 घंटे मेरे हाँ भीतर जो वो चल तो रहा है आएगा, वो मैं तो महत्वपूर्ण। उसको वो तो आएगा आने दो, मगर मैं चुप से शांत से बैठा रहूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बस। जी तो वहां से स्टेप बाय स्टेप आप करना शुरू करेंगे तो अब तो धीरे धीरे हम लोग 1 महीने बाद और गहराई में जाएंगे तो और गहरे गहरे निष्कर्ष बन पाएंगे। तो हम लोग तो हर दिन स्टेप्स को बता रहे हैं कि कैसे करना है, उसको लिख के भी भेज रहे हैं कि क्या क्या करना है, कितना सहयोग हो पाता है इस दिशा में, करने का कोशिश कर रहे हैं, आगे इसको और शार्प करेंगे कि और अधिक से अधिक लोगों को ये सब पकड़ में आ सके। तो एक बार इसको करिए, फिर इसमें जो प्रश्न बनते हैं और बात करेंगे। जैसे आप देखें तो कल की ही चर्चा मैंने जो शुरू की, 4 स्टेप बताए कि आप बैठकर कल्पनाशीलता को देखें, फिर आपका व्यवहार कार्य इस कल्पनाशीलता से तय हो रहा है कि नहीं उसको देखें, फिर कल्पनाशीलता में जो भी चला उसका सोर्स क्या है, संवेदना है कि मान्यता है कि सहज स्वीकृति है, उसको देखें, फिर ये जो कुछ भी कल्पनाशीलता में चल रहा है उससे आप हार्मनी में है कि हार्मनी में नहीं है उसको भी ऑब्जर्व करें। तो ये पहला काम आप ठीक से कर पाएंगे तो बाकी के सारे काम भी ठीक से आप कर पाएंगे, अन्यथा धीरे धीरे एक गैप बनेगा, मैं बात एक गहरी मिनट होती जाएगी। हाँ हाँ भैया मैं समझा, ये प्रैक्टिस करूंगा। हाँ डॉक्टर भानु भैया, अभिवादन, नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा। मुझे एक्चुअली क्या है कि कल से ही मैंने ये अटेंड किया और आपका पूरा प्रोग्राम मैंने भीलवाड़ा में अटेंड किया, बहुत अच्छा मुझे। तो मैं डॉक्टर भानु भैया ये बताइए कि जो है हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है,
तो ये कल्पनाशीलता भी उसी से रिलेटेड है क्या, कि जो कि कई बार तो आप जैसे बोलते हो तो ऐसे लगता है कि मन की बात, आपने मेरे मन की बात बोल दी, छीन ली। कई बार हम बिहेव कर देते हैं, सुबह कुछ किया लेकिन शाम को देखा तो यार मैं, मेरे को ऐसा मैंने क्यों किया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड और कल्पनाशीलता, ये इसको कैसे रिलेट करेंगे, क्या इसी को सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो कल्पनाशीलता में हमारे ये मान्यताएं और ये जो हमारी बैठी हुई है ये जो सेंसेशंस जो है, और वो उस पर हावी रहती है हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ी विवेचना करके बताइए भैया, कल्पनाशीलता जब आप देखने जाते हैं तो जी। जितना कुछ उस कल्पनाशीलता में चलता हुआ आप देख पाते हैं और उसके आधार पर होता हुआ व्यवहार कार्य देख पाते हैं, उसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं अभी अभी की भाषा। और देखने के बारे आपको भास आभास होता है कि बहुत कुछ और कल्पनाशीलता में चल रहा है, लेकिन मैं उसको ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि कुछ चल रहा है भीतर, है ना। चल रहा है कई बार वो इतना वो होता है, सूक्ष्म होता है कि मतलब आपको ये लगता है कि कुछ चल तो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह पा रहे कि कुछ चल रहा है। कई बार लगता है कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन ये भी हाँ जी, लगता हाँ है जी, कि कुछ हल्का है। इस आते स्थिति आते को जिसको आप ये कहें कि कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है लेकिन आप उसके प्रति अवेयर नहीं है, जी। उसको आजकल लोग सब कॉन्शियस बोलते हैं, है अच्छा अच्छा जी, हाँ, बस वही वही बाबू जी। ना। और जो चल रहा है ना, उसके प्रति बिल्कुल होश नहीं है, सिर्फ होश बाहरी नहीं है स्थिति को ही, तो उसको जी, अनकॉन्शियस भी बोलने लग जाते हैं। अच्छी बेहोशी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ तो जी जी ये बेहोशी का डिग्री है, एक में थोड़ा कम है, एक में थोड़ा ज्यादा है। जी 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 बहुत बहुत आभार जी, बहुत कॉन्शियस में बेहोशी थोड़ा कम है, अनकॉन्शियस में बेहोशी ज्यादा है। मुख्य जी मुद्दा जी तो कॉन्शियस हो जाने का है, अर्थात हमारी कल्पनाशीलता में प्रतिक्षण क्या कर रहा चल रहा है उसके प्रति अवेयर हो जाने का है। वही अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। वही अभ्यास। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार भैया, धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, दीदी। ये जो कल का असाइनमेंट दिया था कि हर इच्छा किसी भाव से जुड़ी है, तो इसको मैं समझने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे कुछ खाने की इच्छा हो गई तो वहां पे दो भाव हो सकते हैं आपके, पोषण या शोषण का। तो ये एक थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रही थी। फिर दिन भर जो मेरे भाव में जो बदलाव हो रहा था, कभी मैं थोड़ा कभी गुस्सा हो गई, या कभी थोड़ा मुझे परेशानी लग रही है, कभी कुछ कंसर्न लग रहा है किसी बात से लेकर, तो ये जो भाव में थोड़ा बदलाव हो रहा था, तो यहाँ पे क्या मेरी इच्छा बनी है उसको मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही थी। तो इसको कैसे काम करें? जी, बहुत बेसिक बात जो है ना, अभी हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर हों कि उसमें क्या चल रहा है और हमारे व्यवहार कार्य से वो कैसे जुड़ा है, ये दो स्टेप। तीसरा स्टेप, कल्पनाशीलता का स्रोत क्या है, संवेदना, मान्यता या सहज स्वीकृति। चौथा स्टेप, अगर सहज स्वीकृति से मैं कल्पनाशीलता को तय कर रही हूँ तो मैं हार्मनी में हूँ कि डिसहार्मनी। अगर मान्यता या संवेदना से इस कल्पनाशीलता को तय कर रही हूँ तो हार्मनी में हूँ कि डिसहार्मनी। इस चार स्टेप के अभ्यास को पहले ठीक से कर लिया जाए। इसको जब ठीक से करते हैं तो कल्पनाशीलता में और सूक्ष्म गतिविधियों को देख पाने की हमारी योग्यता विकसित होती है। इस चार काम को किए बगैर जब हम सीधे सीधे इच्छा को, विचार को, आशा को, या यूं कहें भाव को, विचार को, आशा को अलग अलग करने जाते हैं, तो अगर पहले से हमारी योग्यता थोड़ी अर्जित रहती है इस दिशा में तो कर पाते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते हैं और थोड़ा भ्रम में फंसते हैं। तो पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी और सभी साथियों से भी, ये जो पहले चार अभ्यास बता रहे हैं उसको तो ठीक से कर लें पहले। फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार, अपनी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है वो तो बहुत ही सिंपल है, उसको कभी भी आप आधा एक घंटा अपने साथ बैठ जाइए तो बहुत कुछ चलता हुआ दिखने लग जाता है, वो देख लीजिए। फिर व्यवहार कार्य करते समय आप कल्पनाशीलता क्या चल रही है, उस कल्पनाशीलता का व्यवहार कार्य के साथ कोई जुड़ाव है क्या, उसको भी देख लीजिए। वो तो खाना बना रहे हैं तभी देख लीजिए कि खाने में नमक कितना डालना है, ये पहले कल्पनाशीलता में तय हुआ कि ऐसे ही डाल दिया। खाना खा रहे हैं तो भी देख लीजिए कि पहले दाल के साथ रोटी खानी है कि सब्जी के साथ रोटी खानी है, ये कल्पनाशीलता में तय हो रहा है या ऑटोमेटिक हो जा रहा है।
जब आप देखेंगे तो बहुत सारा भ्रम टूटेगा कि कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, एक एक जगह आपका कल्पनाशीलता में डिसीजन हो रहा है। तो तीसरा स्टेप, उस कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसका सोर्स क्या है, वो संवेदना से निर्धारित हो रहा है, मान्यता से निर्धारित हो रहा है कि सहज स्वीकृति से निर्धारित हो रहा है। एक बार वो देखने लग जाए फिर इसको भी ऑब्जर्व करें कि जब भी सहज स्वीकृति से आप इस कल्पनाशीलता का निर्धारण कर रहे हैं तब आप हार्मनी में है कि डिसहार्मनी में, और जब मान्यता और संवेदना से कर रहे हैं तो हार्मनी में है कि डिसहार्मनी। इस चार स्टेप को जितना ठीक से करेंगे तो जो आपका प्रश्न है कि भाव को, विचार को, आशा को अलग अलग करके देखना, वो करने की योग्यता आप में आएगी। तो जब आप उसको करने जाएंगे तो उसमें मैं थोड़ा सहयोग कर देता हूँ, लेकिन ये सहयोग तभी कारगर सिद्ध होगा जब पहले चार स्टेप आपने कर लिए। वो ये कि मैं कुछ हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं समृद्ध हो जाऊं, है ना, मैं अपने शरीर के पोषण करने वाला हो जाऊं, है ना, मेरे में सम्मान हो जाए, सम्मान का भाव हो जाए, मैं विश्वास के भाव से भर जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, ये जो कुछ भी आपकी कल्पनाशीलता में चल रहा है ये इच्छा है। फिर आप यही नहीं रुकते, उसका एक्सपेंशन शुरू करते हैं कि मैं सुखी कैसे होऊंगा, मैं अपने में सम्मान कैसे सुनिश्चित करूंगा, मेरी समृद्धि कैसे होगी, ये सबको आप डिटेल आउट करना शुरू करते हैं। ये जो डिटेल करना शुरू कर दिए ये विचार है। फिर एक एक डिटेलिंग से कुछ आशा लगाते हैं कि मेरे को कोई सही समझने में सहयोग कर दे, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे दे, मेरी उलझन में कोई सहायता कर दे, ये सब आशा है। तो मैं कुछ हो जाऊं ये इच्छा है, वो कैसे होगा उसको जो एक्सटेंड कर रहा हूँ ये विचार है। फिर उसमें मेरा कोई सहयोग कर दे ये आशा है। तो जो पहले चार स्टेप आप कर लेंगे उसके बाद देंगे तो आप इच्छा को भी, विचार को भी, आशा को भी अपने भीतर अलग अलग देख पाए। अभी अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो पहले चार स्टेप को तो काम जारी रखें, समय के साथ हमारी आपकी योग्यताएं बढ़ेंगी तो इस बारीक क्रियाओं को भी, कल्पनाशीलता एक कंबाइंड रूप से चल रही क्रिया है जिसको देख लेना ज्यादा आसान है ना, उसमें आशा और विचार को देखना रिलेटिवली टफ है क्योंकि उससे ज्यादा सूक्ष्म है। विचार को फिर भी देखेंगे तो एक श्रृंखला रूप में दिखता है, लंबे श्रृंखला के रूप में चलता है, खाना खाना है तो ये चुनूंगा, ऐसे बनाऊंगा, इसको मिलाऊंगा, ऐसे बनेगा ये मसाला, तो एक श्रृंखला दिखती है। लेकिन मेरे में पोषण का भाव है उससे भी सूक्ष्म है, मेरे में सम्मान का भाव है विचार से भी सूक्ष्म है, तो रिलेटिवली उसमें थोड़ा और ज्यादा एक्सरसाइज अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो आप करेंगे तो धीरे धीरे भाव को भी अपने भीतर देख पाएंगे, और अभी तो उसके ऊपर और चलना है, और उससे अधिक सूक्ष्म क्रियाएं हैं अपने अंदर ना, स्टेप वन और स्टेप टू जो खाली लिख रखा है वो तो उससे भी सूक्ष्म है। तो अगर इसको और ठीक से हम लोग काम करेंगे इस पर और बारीकी से तो उससे भी सूक्ष्मतम क्रियाओं को हम देख पाएंगे अपने भीतर। तो ये यात्रा है हम सभी के लिए, मैंने इसको ट्वीट किया जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। कल जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मुझे लेफ्ट टर्न लेना था, लेकिन मतलब मैंने लेफ्ट टर्न ले भी लिया, और उसके बाद जब मैं काफी आगे चला गया उसके बाद मैं सोच रहा हूं मैं कि मैंने लेफ्ट टर्न लिया कि नहीं लिया। बाद में मैंने आगे जाके कंफर्म किया कि मैं सही रास्ते पे आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने निर्णय ले लिया था, लेकिन मेरा निर्णय लेते समय मतलब कब निर्णय लिया मेरा ये ध्यान नहीं रहा। जी तो भैया हम लोग एक टर्म प्रयोग करते हैं टेक ऑफ शब्द का। टेक ऑफ का मतलब जैसे कभी आप किसी के साथ चर्चा में शामिल हैं या कोई क्लास में बैठे हैं तो जो टीचर बोल रहा है या जो व्यक्ति बोल रहा है, थोड़ी देर तक तो हमारी कल्पनाशीलता उसकी बातों पर टिकी रहती है, हम अपनी कल्पनाशीलता पूरी उसकी बातों को सुनने में लगाते हैं। थोड़े समय बाद टीचर लेक्चर लेता रहता है या सामने वाला व्यक्ति बोलता रहता है, हमारी कल्पनाशीलता कहीं और चली जाती है, किसी और चीज पे चली जाती है। और जब कल्पनाशीलता किसी और चीज पे चली जाती है तो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता, हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाते जबकि कान हमारे खुले ही रहते हैं। तो जी ये जो हम भैया, कल्पनाशीलता में कहीं और चले गए, जिस जगह पर निर्णय ले रहे थे वहां ध्यान नहीं रहा,
इसको टेक ऑफ कह रहे हैं, कि हम अपनी कल्पनाशीलता से टेक ऑफ कर गए कि क्या कल्पनाशीलता में चल रहा देख ही नहीं रहे। ऐसे ही जिस क्षण कल्पनाशीलता में आपने निर्णय लिया मुड़ने का, उस समय कल्पनाशीलता पर आपका ध्यान नहीं था, निर्णय आपने ले लिया, ध्यान कहीं और था, कल्पनाशीलता को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इसलिए संशय बन जाता है। जैसे बहुत सारे साथी लोग एक दिन और शेयर कर रहे थे, कोई एक साथी, कि मैं हम बार बार भूल जाते हैं कि घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया, फिर लौट के आके फिर चेक करते हैं, बिजली बंद करके घर का ताला लगा के जाते हैं, भ्रम बना रहता है कि हमने ताला बिजली बंद की कि नहीं, वापस ताला खोलते हैं फिर चेक करते हैं, चाबी कहीं रख के हमको लगता है चाबी पर्स में ही हम रखे थे, लेकिन हमको ध्यान नहीं रहता चाबी छूट तो नहीं गई, फिर लौट के जाके चेक करते हैं पर्स को या घर को। ये जो बार बार हो रहा है इसका आशय यही है कि हम होश पूर्वक अपनी कल्पनाशीलता को नहीं दें। जिस समय हम व्यवहार कार्य कर रहे हैं इस तरह का, हमारी कल्पनाशीलता उस जगह पे नहीं है, इसलिए हम बार बार ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से अनअवेयर है और कुछ हो गया, क्योंकि क्रिया तो चल ही रही। एक बार और होश पूर्वक हम अपनी कल्पनाशीलता को थोड़ा और ठीक से देखने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इस तरह की स्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। इतनी बात मैं कहूंगा आपके प्रश्न के संदर्भ। जी भैया, नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर जो इच्छा विचार आशा है सर, इसे एक बार थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दें। हाँ, तो मैं सुखी हो जाऊं ये इच्छा है, मैं कुछ हो जाऊं ये इच्छा है, जो होना चाह रहा हूं वो कैसे होऊंगा ये जो फैला रहा हूं ये विचार है, वैसा होने में मेरा कोई सहयोग कर दे ये आशा है। तो मैं सुखी हो जाऊं ये इच्छा है, मैं समृद्ध हो जाऊं ये इच्छा है, मैं सम्मान के भाव से युक्त हो जाऊं ये इच्छा है, मैं विश्वास के भाव से युक्त हो जाऊं ये इच्छा है, मैं सुखी कैसे होऊंगा, क्या क्या समझना होगा, क्या क्या अपने में ठीक करना होगा ये विचार है। कोई मेरा समझने में सहयोग कर दे, कोई मेरा कंफ्यूजन दूर करने में सहयोग कर दे ये आशा है। मैं विश्वास के भाव से युक्त हो जाऊं ये इच्छा है, विश्वास मुझे समझ में आ जाए है ना, ये उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये सब विचार है। कोई मेरा विश्वास के भाव को समझने में सहयोग कर दे ये आशा है ना। तो ऐसे जी हर सर, एक कल्पनाशीलता को हम देख सकते हैं, उसमें इच्छा है क्या है, विचार क्या है, आशा क्या है, और ये तीनों आपस में जुड़ी हुई है। जी, होना कैसे सहयोग, तीन वर्ड हुए ना साहब। जी, मैं कुछ हो जाऊं ये इच्छा, कैसे होगा ये विचार, उसमें कुछ मेरे को सहयोग मिल जाए ये आशा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो कल इस पर बात हो रही थी, इच्छा विचार आशा, इन तीनों में जो चल रहा है उसको कंबाइंड रूप से हम लोग कल्पनाशीलता कह रहे हैं। वो बाहर किसी गंध से, किसी रूप को देखकर, किसी स्पर्श से, है ना, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस तरह की चीजों से प्रेरित होकर कुछ इनपुट हमारे भीतर आ रहा है, उस पर हमारी कल्पनाशीलता चल रही है, उसको कह रहे हैं संवेदना आधारित कल्पनाशीलता। हमने किसी गतिविधि को देखकर कुछ मान्यता बना ली है, टीवी में बार बार ऐड आ रहा है, लाइफ हो तो ऐसी, बार बार पंच लाइन बोल रहे हैं, हमने भी लाइफ हो तो ऐसी के बारे में मान्यता बना ली। तो किसी गतिविधि को देखकर अपने भीतर सुख के बारे में, सम्मान के बारे में, स्नेह के बारे में, जिंदगी के बारे में कुछ मान्यता बना लो, ये मान्यता हमारे भीतर बन जाती है और हम उसको जांचते भी नहीं है कि वो सही है कि नहीं, उससे हमारे सुख की निरंतरता होगी कि नहीं, हम व्यवस्थित होंगे कि नहीं, बाहर उससे व्यवस्था होगी कि नहीं, हम इसको जांचते भी नहीं। तो बिना जांचे जिन चीजों को मान लेते हैं अपने भीतर, वो मान्यता है, वो मान्यताएं भी हमारी कल्पनाशीलता चलने का आधार बनती रहती है। और हमारे अंदर जो सहज स्वीकृति है व्यवस्था की, संबंध की, संस्तित्व की, उस पर आधारित जो कल्पनाशीलता चल रही है वो सहज स्वीकृति से आ रही है। आप कभी भी जांच के देख लीजिए कि आपको संबंध सहज स्वीकार है कि विरोध सहज स्वीकार, व्यवस्था सहज स्वीकार है कि अव्यवस्था सहज स्वीकार, अस्तित्व सहज स्वीकार है कि संघर्ष सहज स्वीकार, पता लगता है अपने भीतर से ही उत्तर आता है कि हमको संबंध व्यवस्था और अस्तित्व ही सहज स्वीकार है। तो उस अर्थ में जो कुछ भी हम कल्पनाशीलता में चला रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं, सहज स्वीकृति से।
साहस विकृति पर आधारित कल्पनाशीलता हम चलाते हैं तो हमने एक हारमोनी बनाई है। तो ऐसा व्यवहार कार्य जब बाहर करते हैं तो उसमें भी हारमोनी बनी रहती है, उसी को कह रहे हैं सुख। अब हमको सहज स्वीकार तो संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व है, लेकिन कई मान्यताएं हमने ऐसी बना ली हैं जो विरोध अव्यवस्था और संघर्ष के अर्थ में, बिना जांचे हमने उसको सही मान लिया है और वैसा करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो संबंध व्यवस्था और संघर्ष की आपको सहज स्वीकार नहीं है, उस पर आधारित मान्यताओं के आधार पर आप कल्पनाशीलता चलाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें या तो आप एक्साइटेड होते हैं या कंट्राडिक्शन में जाते हैं, हार्मनी में तो नहीं जा पाते। तो कई बार उस एक्साइटमेंट को आप सुख जैसा मान लेते हैं, तो थोड़े ही समय में आप तो है डिसहार्मनी में भी चले जाते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट की कंटिन्यूटी तो हो नहीं सकती है ना। तो इसको अपने भीतर जांचेंगे तो बहुत सारी चीजें पाए। तो जैसे आप देखेंगे कि हमको क्या स्वीकार है सहज रूप से, हम सभी है ना, सभी लोग हमको अपने जैसा स्वीकार है, ये हमको सहज स्वीकार है, या हमको कुछ विशेष स्वीकार है ये सहज स्वीकार। अब हम इसको ठीक से नहीं जांच पाते तो कई बार विशेष होने को मान लेते हैं, तो हम कुछ विशेष हो जाए, दूसरों से अलग हो जाए। अब इसके लिए बहुत सारा संघर्ष का विचार चलाना पड़ता है कि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर हमारे ही आए तभी हम विशेष हो, ऑफिस में बॉस सबसे अधिक हमारी ही तारीफ करे, सबसे अधिक हमारी ही सैलरी बढ़े, हमारी बात किसी सभा में ना कटे, हम ही श्रेष्ठ साबित हो। अब इसमें बहुत सारा संघर्ष का आपको विचार चलाना पड़ता है, लेकिन ये आपकी मान्यता में यह था कि मैं सबसे अलग सिद्ध हो जाऊं। और उस पर आधारित जितना आप विचार चलाते हैं, व्यवहार कार्य करते हैं, उसमें एक संघर्ष चलता है अपने भीतर भी और बाहर भी, उससे आप बेचैन होते रहते हैं, भले आप दूसरों से अलग साबित हो गए तो भी। तो आप फर्स्ट आ गए, उसके बाद संघर्ष अपने भीतर खत्म नहीं होता है, ना भीतर ना बाहर। ऑफिस में एक बार सबसे हाई इंक्रीमेंट आपका मिल गया, उससे भी संघर्ष अपने भीतर और बाहर खत्म नहीं होता है। ऑफिस में बॉस ने सबसे अधिक ज्यादा हमारा तारीफ कर दिया, उससे भी हमारे भीतर का संघर्ष और बाहर का खत्म नहीं होता, आगे वो होगा कि नहीं होगा उसका संघर्ष जारी रहता है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि इस तरह से हम अपने भीतर बहुत तरह की मान्यताएं बना लेते हैं जो संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में नहीं होती है, बल्कि विरोध अव्यवस्था और संघर्ष के उसके मूल में होता है। उस पर आधारित हम विचार चलाते हैं, हम बेचैन होते हैं, बाहर व्यवहार कार्य करते हैं और बेचैन होते हैं, और इसी को कह रहे हैं हम दुखी होते रहे। या कई बार उसमें हम सफल हो जाते हैं विशेष होने में, तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं थोड़ी देर, बहुत अच्छा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है दुनिया में हम बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल हवा में हैं, है ना, आज का दिन तो मेरा इस साल का सबसे अच्छा दिन रहा, इस तरह के निष्कर्ष पर आते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े ही दिनों बाद ये एक्साइटमेंट फिर डाउन हो जाता है, क्योंकि पूरी सभा में हमेशा मेरे लिए ताली बजे, लोग मेरे को ही सबसे अलग स्वीकार है, तो कंटिन्यूटी में तो हो नहीं सकता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारे भीतर बहुत तरह की मान्यताएं काम कर रहे हैं, भोजन को लेकर के, कपड़े को लेकर के, यही कपड़ा पहनूंगा तो लोगों में मेरा सम्मान होगा, ये कपड़ा पहनूंगा तो मैं दुनिया में सबसे अलग दिखूंगा, इससे लोग मुझ पर ध्यान देंगे, उससे मैं सबसे श्रेष्ठ साबित हो जाऊंगा, बहुत सारी मान्यता। इस तरह का भोजन अगर मैंने सभा में नहीं खाया तो मैं पिछड़ा साबित हो सकता हूँ, है ना। इस तरह का भोजन ही जो अभी मॉडर्निटी के भोजन है वो नहीं लेके खा रहा हूँ तो मेरे को लोग पिछड़ा साबित कर देंगे, मैंने इस टोन में बात नहीं किया तो मैं मॉडर्न हूँ ये नहीं सिद्ध होगा। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं अपने भीतर काम करती रहती और हम अनअवेयर होके उसके ट्रैप में फंसते रहते हैं और डिसहार्मनी में जाते रहते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटी को आप पाएंगे जो या तो संवेदना के लिए या मान्यता के लिए आप कल्पनाशीलता में चला रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, सहज स्वीकृति पे ध्यान नहीं जाए। एक छोटा उदाहरण, आप कोई क्रीम लगा रहे हैं चेहरे पर, उसके तीन कारण हो सकते हैं कि भाई इस गर्मी में चेहरे की गर्मी से सुरक्षा हो सके, एक वो दृष्टि हो सकती है क्रीम लगाने, एक दृष्टि हो सकती है कि आपका है ना चेहरे पे थोड़ी ठंडक रहेगी, चेहरा थोड़ा है ना
क्या कहते हैं, थोड़ा गोरा दिखेगा। अब ये संवेदना आधारित ऐसे ही देखेंगे। एक ये भी मान्यता काम कर सकती है कि मैं ये क्रीम लगाऊंगा और उससे चेहरा गोरा होगा, उससे लोगों में मेरा सम्मान होगा, स्वीकृति बढ़ेगी, मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊंगा। तो उसी क्रीम को लगाने का जो सोर्स है वो आपका मान्यता है। अब आप ही अपने भीतर उसको ठीक से जांचिए कि आप इस एक्टिविटी को जो कर रहे हैं उसका आधार क्या है, संवेदना है, मान्यता है, सह स्वीकृति। अगर इससे शरीर का धूप से सुरक्षा होगा, शरीर का संरक्षण होगा, इस अर्थ इस सोर्स से लगा रहे हैं तो इस सह स्वीकृति, तो उसमें आपकी हार्मनी बनी रहती है क्योंकि इसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है, संबंध का भाव भी। लेकिन जैसे ही होता है कि मैं इससे गोरा हो जाऊंगा, दूसरों से अलग सिद्ध हो जाऊंगा, है ना, तो इसमें एक संघर्ष है, एक विरोध है बाकियों से, है ना। तो आप एक डिसहार्मनी महसूस करते हैं अपने भीतर लगाने के बाद भी और लगाने के पहले। तो धीरे धीरे हर छोटी छोटी गतिविधि के लिए आप अपने भीतर कल्पनाशीलता में जांच कर सकते हैं। ये जो कल्पनाशीलता चला रहे हैं इस समय आप, या उसको बाहर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसका आधार मान्यता है कि संवेदना है कि सहज स्वीकृति। इसको जितना ठीक से देखेंगे आप आगे के अभ्यास को और गहराई से कर पाने की जगह पर पहुंच पाएंगे। तो मैं 5 मिनट के लिए अभी आप सबको अवसर दूंगा कि इतने 5 मिनट हम बैठकर अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान। कल के दिन हमने जितने भी निर्णय लिए उन निर्णयों पर ध्यान दें और देखें कि वो संवेदना आधारित कल्पनाशीलता में निर्णय हुआ था या मान्यता आधारित हुआ था या सहज स्वीकृति आधारित हुआ था। इसको 5 मिनट ऑब्जर्व करके अपने भीतर देखें। अगले 5 मिनट में अपने तरफ से कोई इनपुट नहीं दूंगा, आप सबसे अपेक्षा है कि आप उसको ऑब्जर्व करें और उसके बाद शेयर करें। ठीक, हम में से कोई एक दो लोग अपने ऑब्जर्वेशन को इस पर शेयर कर सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इच्छा, विचार और आशा, ये तीनों सीक्वेंस के बीच में ना हम गड़बड़ विचारों में करते हैं। पहली चीज तो इच्छा तो निर्धारित हो गई कि क्या है इच्छा, अब आशा भी उसके प्रति बन जाती है कि हाँ ये आशा होती है, बट उसके बीच उसके लिए जो हमें विचार करने होते हैं ना, हम वही सारी गड़बड़ करते हैं। तो अगर इस इन तीनों में अगर हार्मोनी हो जाए तो बहुत सारा काम हो जाएगा। पर इन दिनों मैंने ऑब्जर्व किया कि इन तीनों के बीच में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे पुरानी मान्यताएं, पुराने व्यवहार, संस्कार, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इतनी डीप रूटेड हो गई है, इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इनको एकदम से चेंज करना मुश्किल लगता है। तो ये बहुत जल्दी फास्ट काम करती है, फिर बाद में ऐसे सोचने लग जाते कि करना तो नहीं था, कर लिए, जो अभी सुबह से ये चर्चा चल रही है। तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम अपने विचारों पर हमेशा ऑब्जर्वेशन करें। हर समय मैं सजग रहूं कि मेरे भाव क्या है, मैं भी आराम में हूँ या आराम में नहीं हूँ, और इसको कॉपी में नोट करें। और जब हम इसको नोट करने की हैबिट अगर डाल लेना कि इस पल मैं क्या विचार है और क्या मेरे भाव है, क्या मैं सुख में हूँ या दुखी हूँ, मुझे क्या मेरे भाव अच्छे किस लिए हो रहे हैं, तो मेरे भाव खराब किस लिए हो रहे हैं, इस चीज की अगर सूची निरंतर बनाते रहे तो जब हमारे भाव बिगड़ते हैं ना, तब भी हम उसको लिखना चालू कर देंगे। और जब हम उसको लिखना चालू कर देंगे ना, तो हम दोनों में कंपेयर करके और उसको फिर समझ पाएंगे कि हाँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कौन से भाव और कौन से विचार हमें बिगाड़ते हैं, चाहे वो हमारी कल्पनाशीलता है या मान्यता है या पुराने संस्कार या स्वभाव है, तो हमें किस पे काम करने की जरूरत है, इससे हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। तो भैया मुझे थोड़ा गाइड करिए कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं। ठीक है दीदी, उसको करते रहिए। अभी तो मैं कहूंगा कि लिखने का काम तो एक है ही, उससे एक सहयोग तो मिलता ही है, तो बट अपनी कल्पनाशीलता को ठीक से देखना, व्यवहार कार्य से वो जुड़ा है ये देखना, उसका सोर्स मान्यता संवेदना या सहज स्वीकृति है ये देखना,
जब सहस्र प्रकृति पर आधारित कल्पनाशीलता चल रही है तो उससे हारमनी हो रही है कि नहीं ये देखना, संवेदना मान्यता आधारित इच्छा चल रहा है उससे हारमनी हो रही है कि नहीं ये देखना। तो चारों काम को ठीक से करते हैं तो हमको इच्छा विचार और आशा को और ठीक से सूक्ष्मता के साथ देख पाने की एक योग्यता अर्जित होती है, उसको हम रन टाइम कर पाते हैं। फिर कॉपी पेन की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब तक ये चारों नहीं कर पाए हैं तब तक कॉपी पेन का सहारा लेके भी कुछ किया जा सकता है, बट ये काम तो रन टाइम करने की जरूरत है भविष्य में। जब तक वो नहीं कर पा रहे तब तक ठीक है। बट भैया होता क्या है, भूल जाते हैं। मेरे साथ तो मैक्सिमम यही होता है, मैं क्या भूल जाती हूँ कि तो क्या पिछले क्षण ऑब्जर्व। का भूल गए तो ठीक है, तब तक कॉपी पेन का सहारा ले लें, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि हर क्षण ही हमारे कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है। 5 मिनट पहले का भूल गए, कोई बात नहीं, इस क्षण क्या चल रहा है उसको देख लें, वो हमको सहज स्वीकार है कि नहीं ये देख लें, वो कहीं मान्यता और संवेदना से तो नहीं आ रही, वो देख लें। जो भूल गया छोड़ दें, फिर इम्पोर्टेंट होगा तो लौट के कल्पनाशीलता में आएगा, उसकी हमें चिंता क्यों करनी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, पेन कॉपी के सहारे भी चल रहे हैं, कुछ दिन चल रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इस स्थिति तक हम सबको तो पहुंचना पड़ेगा कि बिना पेन के सहारे भी हम इस काम को कर पाए डायरेक्ट भी, क्योंकि ये काम तो डायरेक्ट होना है। जी भैया, जी जी तो कल हम लोग इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे। एक बार इच्छा विचार आशा को सूक्ष्मता से जब हम समझ लेते हैं तो इसके भीतर और सूक्ष्म क्रियाओं को देखने के लिए हमारे अंदर आवश्यकता बनती है, तो धीरे धीरे हम देखने का प्रयास करते हैं, फिर देखने में सफल हो पाते हैं। जैसे देखेंगे तो हमारे भीतर चयन आस्वादन की क्रिया चल रही है, विश्लेषण तुलन की क्रिया चल रही है, पर चित्रण की क्रिया चल रही है। तो हम सुखी होना चाहते हैं, इसका हमने एक इमेज बना रखा है, तो सुखी होने का एक चित्रण है। हम सम्मान के भाव से, विश्वास के भाव से युक्त होना चाहते हैं, उसका एक चित्रण है। हम समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, उसका एक चित्रण रहता है हमारे भीतर, तो एक इमेज रहता है। हम उसका फिर एक पॉइंट के बाद विश्लेषण शुरू करते हैं, है ना, तुलन शुरू करते हैं। तो तुलन में कुछ चीजें हमारी दृष्टि में जिसको हमने अच्छा मान रखा होता है, उसको आधार बनाकर विकल्प जनरेट करते हैं, तो उसको विश्लेषण कह रहे हैं। तो प्रिय की, हित की, लाभ की दृष्टि होती है हमारे भीतर, तो जो चीजें हमको प्रिय लगती है उस पर आधारित कुछ विकल्प जनरेट करने लगते हैं, जिसमें हम अपने हित को देख पाते हैं उस पर आधारित विकल्प जनरेट करने लगते हैं, जिनमें हम अपने लाभ को देख पाते हैं उस पर आधारित विकल्प जनरेट करने लगते हैं। तो ये विश्लेषण और तुलन की क्रिया है। फिर चयन और आस्वादन की क्रिया भी अपने भीतर देख पाते हैं, कि हमारे भीतर कोई ना कोई आस्वादन बैठा रहता है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, कि यही अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो जिन जिन चीजों को हम अच्छा मानकर अपने आस्वादन में बिठा रखते हैं, उसको बेस बनाकर हम चयन करते रहते हैं, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है। आपके कल्पनाशीलता में आप देखेंगे तो ये सारी गतिविधि और सूक्ष्मता से अपने भीतर चलता हुआ हम आप देख पाएंगे। कल इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, आज सिर्फ मैंने इसको आपके ध्यान में ला दिया है। जो लोग पिछले 5 स्टेप को ठीक से कर पा रहे हैं वो आगे इसको भी देख पाएंगे, कल इसको और विश्लेषित करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज की चर्चा को यही रोकते हैं।